सरकार अगले 15-20 दिनों में कम से कम 6 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त करने की योजना बना रही है। इन राज्यों में बिहार, पंजाब और असम शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने आज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को उनकी उस टिप्पणी पर चुनाव आचार संहिता का प्रथम दृश्य उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा राजधानी में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को 20 जनवरी दोपहर बाद 3 बजे तक इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है। पीर को बीजेपी के दामन थाम सकते हैं, आप पार्टी से निकाले गए बिन्नी। दिल्ली के लाल किले में किया गया एक शानदार और आलिशान मुशायरे का इनेकाद, इस मुशायरे की है एक तारीखी अहमियत, पूरे हिंदुस्तान से तशरीफ लाए थे शौरा। अलाहाबाद में आज सनातन धर्म संगठन, घर वापसी राम जन्मभूमि और सप्ताह मुक्ति एजेंडा, शंकराचार्य स्वामी सोरन आनंद सरस्वती करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली में मुस्लिम संगठनों की बैठक आज, महमूद वतनी और कमाल फारूकी के नेतृत्व में मीटिंग, हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही बयानबाजी पर बैठक। बैठक में घर वापसी, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा, महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी लिया जाएगा। अपने पहले पूर्ण बजट की तैयारी में लगे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा कि राजग सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए कर की दरें ऊंची करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहेगी कि लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचे ताकि वे खर्च करें और आर्थिक वृद्धि के प्रोत्साहन बने। गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG यानी मैसेंजर ऑफ गॉड आज रिलीज नहीं होगी। बताया जा रहा है कि अभी ट्रिब्यूनल का और रिप्रोडक्शन कंपनी तक नहीं पहुंचा है। इससे पहले पंजाब सरकार ने राज्य में फिल्म MSG के प्रीमियर पर रोक लगाने का फैसला लिया है। केंद्रीय बैंक RBI के गवर्नर घुराम राजन ने कहा कि अगर कारोबार अच्छा चलने पर मुनाफा पूंजीपतियों की जेब में जाता है तो उसके विफल होने पर नुकसान की भरपाई के लिए भी कारोबारियों को तैयार रहना चाहिए, ना कि इसका बोझ बैंकों पर डाल दिया जाना चाहिए। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ आज सुबह से चल रही थी। प्राप्त सूचना के मुताबिक मुठभेड़ आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले देश के 24 बच्चों को साल 2014 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें 8 लड़कियां और 16 लड़के शामिल हैं। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक की कार पर आतंकी हमला, विधायक के PSO की मौत, कार में हमले के वक्त नहीं थे विधायक। जम्मू कश्मीर के ट्राल में आतंकी ठिकाने का लगा पता, विस्फोटक सामान बरामद। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, उन्होंने कहा कि बाज नहीं आ रहा है पड़ोसी देश। मुंबई SD ड्रग्स का तस्कर सरफराज गिरफ्तार, SMS और व्हाट्सएप के जरिए करता था डील, इसके पास से पुलिस को बरामद हुआ 4 ड्रम ड्रग्स। असम के नलबाड़ी में हाईवे पर तेल से भरा ट्रक गड्ढे में गिरा, हजारों लीटर तेल में लगी आग। इंदौर में एक ही रात 3 ज्वेलरी शॉप पर चोरी, एक जगह की वारदात CCTV में कैद, शटर तोड़कर अंदर घुसे थे चोर। चीन में IN सेंटर फेस्टिवल की धूम, 2022 ओलंपिक की दिखी झलक। दिल्ली के साथ साथ पूरे NCR में रविवार को घना कोहरा छाया है, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोहरा बीती रात से छाया हुआ है। पुणे में शर्मनाक वाकया सामने आया है। यहां मैकडॉनल्ड आउटलेट में एक बच्चे को सिर्फ इससे धक्के देकर निकाल दिया गया क्योंकि वह गरीब था। बच्चा मैकडॉनल्ड से एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीदना चाहता था। घटना का खुलासा एक महिला के फेसबुक पोस्ट से हुआ। मथुरा की जिला जेल में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद एक घायल कैदी को अस्पताल ले जाते वक्त बदमाशों ने दोबारा उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। घायल बदमाश राजेश टोंटा को इलाज के लिए आगरा ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में दिल्ली आगरा हाईवे पर बदमाशों ने एम्बुलेंस को रोक लिया और दावा किया कि वो राजेश टोंटा के रिश्तेदार हैं। शादी विवाह वालों की मांग को पूरा करने के लिए आभूषण निर्माताओं और फुटकर कारोबारियों की भारी लिवाली के चलते समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव चढ़कर 2 माह के उच्च स्तर 27,980 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुँच चुके। ऑस्ट्रेलिया में चल रही त्रिकोणीय सीरीज से पहले भारत के
डन मशीन विराट कोहली को झटका लगा है। दक्षिण अफ्रीका के धुरंधर बल्लेबाज हाशिम अमला ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेजी से 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के विश्व कप टीम के सदस्यों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकवादी हमले में बचे बच्चों से मुलाकात की और उन बच्चों के परिवार वालों से भी मिले। भारत की सानिया मिर्जा ने आपिया इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीत लिया है। सानिया का यह सत्र का पहला और करियर का 33वां खिताब है। कास्टिंग काउच को लेकर टिस्का ने बताया कि बॉलीवुड में महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही इसका सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने इससे बचने के भी कई तरीके बताए। बिपाशा बसु का कहना है कि बॉलीवुड में 15 साल की फिल्मी करियर में वह कभी नंबर वन की रेस में नहीं रही, उन्हें तो अपने काम से प्यार है। बिपाशा किसी छोटी फिल्म में अच्छा रोल करना पसंद करती है, ना कि किसी मल्टी स्टार फिल्म में छोटा रोल। बॉलीवुड क्वीन करीना कपूर खान जल्द ही आपको बड़े पर्दे पर फिर टाइटल नंबर करती नजर आएंगे। खबर है कि जैकलीन की फिल्म ब्रदर्स में करीना कपूर एक विलेन सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आइटम नंबर करने जा रही हैं। आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा के अफेयर की खबरें तेज। गोवा में आलिया ने मनाया था सिद्धार्थ का बर्थडे। रांझना फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले धनुष जल्द निर्देशक आर बाल्की की आने वाली फिल्म शमिताभ फिल्म के जरिए एक बार फिर प्रशंसकों से रूबरू होने को तैयार है। धनुष का कहना है कि वह अपनी पत्नी ऐश्वर्या को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि यूरोप को अमेरिकी से प्रेरणा लेकर समाज की मुख्यधारा में बेहतर तरीके से मुस्लिम समुदाय को जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समुदाय के ज्यादातर लोग उदारता में विश्वास रखते हैं। पेरिस में हुए आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में यूरोप के विभिन्न देशों में आतंकवाद निरोधी छापेमारी और संदिग्ध इस्लामी उग्रवादियों की गिरफ्तारी के बीच पूरा यूरोप हाई अलर्ट पर है। पेशावर के स्कूल में हमले के पृष्ठभूमि में मौत की सजा पर से पाबंदी खत्म करने के बाद शीर्ष मानवाधिकार समूह ने यह कहते हुए पाकिस्तान से देश में बढ़ते मृत्युदंड पर रोक लगाने को कहा है कि इस समूह का कहना है कि हिंसा रोकने के लिए अपराध पर कड़ी कार्रवाई के तहत और लोगों की जान लेना जवाब नहीं हो सकता। फ्रांस की राजधानी पेरिस के उत्तरी उपनगर में स्थित एक पोस्ट ऑफिस में कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया है। 16 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे एक व्यक्ति ग्रेनेड व राइफल लेकर फ्रांस के लास हाउस से सैन्य प्रांत के कोलंब स्थित एक पोस्ट ऑफिस में घुस गया। इसके बाद उसने वहां मौजूद 3 लोगों को बंधक बना लिया।